शादी को यादगार बनाने को लोग क्या क्या करते हैं? कोई हवाई जहाज में शादी करता है तो कोई विदेश जाकर। मगर संभल के चंदौसी के एक रोडवेज कर्मी ने अपने बेटे का विवाह राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया। CAA और NRC समर्थक रोडवेज कर्मी के पुत्र के विवाह में दुल्हा ने तिरंगे रंग की पगड़ी पहनी, तिरंगे फूलों से बनी जयमाला दुल्हन को पहनाई। शादी में जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाने का फ्लैक्स लगाया। बैंकेट हॉल को तिरंगे रंग से सजवाया। और तो और, शहनाई संग शादी में देशभक्ति के गीतों की गंगा भई। तो हुई ना ये वाकई यादगार शादी। राष्ट्रवाद के रंगों में सराबोर शादी की ये झांकी संबल जनपद की व्यापारिक नगरी चंदौसी के सामने आई है, जहां रोडवेज कर्मी अनिल मिश्रा के पुत्र मोहित मिश्रा की शादी में सब तिरंगा ही नजर आ रहा था। दूल्हे ने तिरंगी पगड़ी पहनी, दुल्हन को तिरंगे रंग की फूलों की वरमाला पहनाई। बैंकेट हॉल को तिरंगे रंग से सजाया गया। और तो और, स्टेज पर जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाने की मांग का फ्लैक्स लगाया। शादी में शहनाई संग देशभक्ति के गीतों की छटा बिखरी। राष्ट्रवाद के रंग में सराबोर इस अनोखी शादी में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने वर वधु को आशीर्वाद देकर शादी का आनंद और बढ़ा दिया। यहाँ हम आपको एक और खास बात बताते चले कि रोडवेज कर्मी का ये वही परिवार है जिसने शादी के कार्ड पर CAA और NRC का समर्थन किया था, तथा लोगों को शादी का कार्ड देते समय CAA और NRC की वास्तविकता लोगों को बताई थी। दरअसल संबल समेत भर के CAA के विरोध के नाम पर उन रोडवेज बसों जो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं उसमें तोड़फोड़ और आगजनी से रोडवेज कर्मी को बहुत दुख हुआ। सो उन्होंने शादी के कार्ड पर न सिर्फ CAA NRC का समर्थन किया बल्कि लोगों को कार्ड देते समय CAA NRC की वास्तविकता बताई। उनके इस अंदाज को व्यापक समर्थन मिला था और अब रात भर चले बेटे के शादी समारोह को राष्ट्रवाद को समर्पित कर रोडवेज कर्मी ने शादी को वाकई यादगार बना दिया। ये एक बहुत अच्छी पहल है नव दंपत्ति के लिए। ये दंपत्ति CAA का भी समर्थन कर रही है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल दे रही है। अगर इसी प्रकार की जागृति, यही चेतना, यही स्फूर्ति यदि हमारे नव दंपत्तियों में आ जाए तो जनसंख्या की जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण लगेगा, जो राष्ट्र के लिए और समाज के हित में होगा। शादी के कार्ड पर इन्होंने CAA और NRC का समर्थन छिपाया था और जहां देश में जगह जगह उस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसमें जगह CAA का समर्थन इन्होंने कार्ड पर छिपाया है, ये एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ है। लेकिन जगह जगह जो विरोध हो रहा है वो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो जानकर भी अनजान बन रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि CAA से किसी को कोई नुकसान नहीं है, CAA किसी की नागरिकता में बाधक नहीं है। ये तो नागरिकता देने का एक बहुत अच्छा प्रावधान है और वो जानबूझकर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही। ये मेरा बच्चा है मोहित मिश्रा सोनम, इन दोनों की शादी आज हुई है और ये संयोग है इन बच्चों का या बच्चों का जो भी नसीब है कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम हुआ है। और मेन सबसे ज़्यादा जो हमें खुशी है कि जो हम राष्ट्र हित की और राष्ट्रीय भावना से जो हमारा दिल और हमारे बच्चों का दिल ओतप्रोत था, उसका हमें सभी लोगों को भरपूर समर्थन मिला। कोई भी राष्ट्र हित का कार्यक्रम जो होता है वो अगर हम ऐसी जगह, अगर हम उसे थोड़ा ऐसी जगह भी हम अपने शादी के जैसे प्रोग्राम में लोगों को गाइड करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लोग मन से इसे स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हमने अपने कार्ड में भी NRC CAA का समर्थन छपाया था। हम जानते हैं उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों को गलतफहमी पैदा करी हुई है। आज सबसे मेन ये है कि हमारे देश में जितना भी विकास होना चाहिए उस विकास में जो बाधक है वो हमारी जनसंख्या विस्फोट है। हमारे मन में ये आया कि जनसंख्या जो विस्फोट है, हमारे कोई भी साधन इतने होते हैं कि सरकार जो है आज हमारे 135 करोड़ लोगों का सोच के चलती है, दो साल बाद 150 करोड़ हो जाएंगे। और इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण का जो है कानून का हम मांग करते हैं। और हमारा सभी ने बहुत सहयोग किया, यहाँ तक कि हमारी राज्य मंत्री ने जब हमारी भावनाएं देखी और उन्हें ये पता पड़ा कि इस कार्यक्रम में ये राष्ट्रीय भावना से भी ओतप्रोत शादी है
तो आशीर्वाद देने खुद आई और हमारे विचारों का और हमारे हर चीज़ का बहुत समर्थन है। यहाँ पर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या बात है, क्या ये यही थोड़ी है कि हम 26 जनवरी पे हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, 15 अगस्त पे ही जिंदाबाद करें। ये तो हम जिंदाबाद कभी भी कर सकते हैं, ये हमारी भावना है, कभी भी जिंदाबाद कर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल हम उस पर ही भावनाओं, 15 अगस्त के बाद लोग भूल जाते हैं, 15 अगस्त छुट्टी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी ये भावना है, हमेशा राष्ट्रीय की भावना है। जैसे कि आपकी शादी के कार्ड पर NRC और CA का समर्थन किया गया था और अब आपके स्टेज पर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, देश प्रेमी हूँ और मेरे मतलब मुझे लगता है कि मुझे अगर जन्म मिला है यहाँ पे तो मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरी फियांस का, मेरी वाइफ का कहना है कि मतलब वो NCC क्वालिफाई है, वो अपनी देश के लिए कुछ करना चाहती है, उसकी इच्छा है आर्मी ऑफिसर बनने की, जैसे कि वो अपने देश की रक्षा करे और काफ़ी हद तक कुछ देश के लिए सपोर्ट करे।